फोन पर बातचीत के नियम। हम सबके जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है कि जिसे हम बेहद पसंद करते हैं और उसके साथ हमारा अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं। इसके लिए आपको सही साथी की झलक दिखाई देनी चाहिए। एक सही साथी कोई अति विशेष भी नहीं होता है, बल्कि वो एक सामान्य व्यक्ति होता है जो बस अपने प्रेमी या प्रेमिका की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। इसी स्थिति में आपके काम आएगी हमारी 59वीं तकनीक, जो ये कहती है कि जब भी आपका पार्टनर आपको कोई छोटी सी बात कहे जो उन्हें खुश करती है, तो उसको अपने दिमाग के अंदर रखें और उसे बार बार ना दोहराएं। मगर किसी दिन सही अवसर मिलने पर आप उनसे वही बात कहें और बताएं कि कैसे उस दिन आप उन्हें खुश देकर बेहद अच्छा महसूस कर रहे थे। जब आपके साथी को ये पता चलेगा कि हम उनके बारे में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, तो उनकी नज़रों में आप एक सही साथी उभर कर नजर आएंगे। एक सही साथी की अगली खास बात यही होती है कि वो अपने साथी को हमेशा वक्त देता है। जब आप अपने साथी से दूर होते हैं तो मोबाइल ही एकमात्र साधन होता है जो आप दोनों को करीब लाता है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जानें कि कैसे हम फ़ोन पर उतने ही उत्साह के साथ बात कर सकते हैं जितनी हम किसी व्यक्ति के सामने होने पर करते हैं। तो हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि आप फ़ोन पर अपने साथी के साथ कैसे बेहद उत्साह के साथ बात कर सकते हैं। इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जब आपका साथी आपको कॉल करे तो आपको हर बार अलग तरीके से बोलना है। उदाहरण के लिए, जब आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी आपके आवाज़ में महसूस होनी चाहिए। इससे आपके साथी को ये पता चलेगा कि आप उनसे बात करके बहुत खुश हैं। इसी क्रम में आती है हमारी अगली तकनीक। अक्सर आपसे फ़ोन पर बात करने वाला व्यक्ति आपसे काफ़ी दूर होता है। ऐसे में आपके साथी को ये महसूस कराना है कि आप उनके बेहद करीब हैं। इसीलिए आप जिस नाम से उन्हें पुकारते हैं उस नाम को बार बार फ़ोन पर दोहराते हैं। जब भी आप किसी का नाम लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति का ध्यान मिलता है। इससे उसको लगता है कि आप लगातार उनके संपर्क में हैं और उनके करीब। क्या आपको पता है कि जब भी आपका साथी आपको फ़ोन करता है तो आपको उसे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? ये भी एक बहुत ज़रूरी बात होती है और अक्सर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। हमारी ये तकनीक आपको सिखाएगी कि जब भी आपका साथी या कोई अजीज दोस्त आपको फ़ोन करे तो सबसे पहले आप उसे सामान्य तरह से बात करें। इसके बाद जैसे ही आप अपने साथी या दोस्त की आवाज़ सुने तो एक उत्साह भरी आवाज़ के साथ उनसे बात करें। इससे उन्हें ये मालूम चलेगा कि आप हर किसी से कितनी खुशी के साथ बात करें। आप केवल अपने करीबी लोगों से कितने उत्साह के साथ बात करें। फ़ोन करने वाले हमेशा आपको खुश करें, ये बिल्कुल ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको कोई व्यक्ति अनावश्यक तौर पर फ़ोन किए जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप सीधा सीधा भी मना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको बचाएगी हमारे 63वीं तकनीक। इस तकनीक में आपको बस इतना करना है, अपने सहयोगी कर्मचारी की फ़ोन उठाने के लिए कहना है और उस व्यक्ति से एकदम खुशी के साथ बात करानी है। फ़ोन पर बात करने के लिए एक तकनीक ये भी है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को नियमित रूप से फ़ोन करते हैं तो उनके घर और ऑफिस की करीब लोगों की आवाज़ों को पहचानें। इसके बाद जब भी इस व्यक्ति के करीब लोग उनकी जगह पर फोन उठाएं तो आप उनसे भी थोड़ी देर के लिए भी बातचीत करें। इससे आप उन लोगों के साथ भी अपनी जान पहचान गहरी कर पाएंगे और आपका काम जल्दी होने के आसार भी बढ़ जाएंगे। फ़ोन पर बात करते समय एक और तकनीक आपके बहुत काम आएगी। ये तकनीक कहती है कि आप जब भी किसी व्यक्ति को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के ठीक बाद आपका पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि ये आपसे बात करने का ठीक समय है। इस तरह से आपके किसी भी व्यक्ति को खुद से बात करने पर मजबूर नहीं करते। ऐसे ही एक और तकनीक है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वो तकनीक है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों और उसी दौरान आपको उनके पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आए, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें बुलाने की, कुत्तों के भौंकने की या किसी बच्चे के रोने की, तो आप तुरंत उनसे पूछें कि वो अभी व्यस्त है। इससे यदि वो व्यक्ति व्यस्त होगा तब आप उसको एक बेहद सहज व्यक्ति के तौर पर नजर आएंगे।
साथ साथ जब भी आप किसी को वॉइस मेल भेजें तो अपनी वॉइस मेल को हमेशा साधारण रखें, वॉइस मेल में ना करके सीधा मुद्दों की बात करें। यही हमारी अगली तकनीक भी है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उठाकर कहते हैं कि वो थोड़ी देर बाद में वापस फ़ोन करेंगे, लेकिन उनका फ़ोन वापस नहीं आता, मगर आप उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारी अगली तकनीक आपको यही सिखाएगी कि किसी व्यक्ति को आप ऐसा क्या बोलें जिसे वो व्यक्ति आपको दोबारा फ़ोन करें। इसके लिए जब भी आप किसी को फ़ोन करें तो ऐसा सोचें जैसे आप हॉलीवुड के ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, जहाँ आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। अपनी बात कहने के लिए इन्हीं 10 सेकंड में आपको जो ज़रूरी बात कहनी है वो कह दीजिए। इसके बाद वो व्यक्ति आपको वापस फ़ोन करेगा। ये पूरी तरह से संभव है। अब बात करते हैं, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं, ऐसे में अक्सर उनके सिक्रेटरी आपको कोई सेल्समैन समझकर आपकी बात उस VIP व्यक्ति से नहीं कराते। हमारी अगली तकनीक में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आप VIP व्यक्ति के सिक्रेटरी से ऐसी बातें करें जिनसे उनको लगे कि आप VIP व्यक्ति के दोस्त। इसके लिए आपको ये बात करना है कि जब आप ऐसे VIP व्यक्ति को फ़ोन करें और उनके सिक्रेटरी फ़ोन उठाएं, तो आपको बस ये कहना है कि हेलो मिस्टर, मैं फलाना व्यक्ति बात कर रहा हूँ। इसमें आप अपना नाम लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि वो VIP व्यक्ति का नाम जिसे आप बात करना चाहते हैं अभी अंदर हैं। अब जब आप उसी व्यक्ति के बारे में साधारण होकर बात करेंगे तो उनके सिक्रेटरी को भी यही लगेगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे के दोस्त। इससे आपकी और उस VIP की बातचीत होने की आसार बढ़ जाएंगे। फ़ोन पर बातचीत के लिए हमारी आखिरी तकनीक यानी तकनीक नंबर 70 में आप ये सीखेंगे कि जब भी आपका कोई व्यावसायिक फ़ोन आए तो उसे रिकॉर्ड अवश्य करें, फिर उस रिकॉर्डिंग को एक या दो बार फिर से सुनें। इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपकी कौन सी बातें आपके सहायक व्यापारियों को एहसास कर सकते हैं। तो इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।